कोलकाता की ईडन गार्डन से हम लाइव आपके पास लेकर आ रहे हैं। टॉस यहां पे जरूर इस बार मेहमानों के पक्ष में गिरा है। टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला एक बदलाव किया है वेस्ट इंडीज की टीम ने। भारत की टीम वही है जो पिछले मैच में खेली थी। रोहित शर्मा 121वां इनका मुकाबला, 140 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। ईशान किशन गेंदों से आम के साथ कहने का मन तो नहीं कर रहा, अंदर ऐसा लगा सुई हुई है इरफान। ये सबको चकमा दे दिया है, ये मुफ्त का चौका आया है ये। अब यहां नहीं जरूरत पड़ेगी आपको रिव्यू की, क्योंकि ईशान किशन की पारी हुई समाप्त। शेल्डन कॉटरेल का ये सैल्यूट यानी कि बाहर जाने का निर्देश। चार डॉट गेंदे और पांचवी गेंद पर ईशान का विकेट। भारत का गिरा पहला विकेट 10 रन पे, ईशान किशन ने बनाए। तो ये आंकड़े देखिए, 3244 रन। ये बेहतरीन शॉट है, ये सिर्फ टाइमिंग और प्लेसमेंट की बात है। चौके के साथ हुई गोली की शुरुआत, कुछ अलग करने का प्रयास और खाते में डाल दिया चौका। गेंद ऊपर गई है, स्टंप्स को कवर करने का पूरा प्रयास, और ये आप कर सकते हैं, ये करना अलाउड है। अगर आप बल्ले आप अपने हाथ का इस्तेमाल ना करें तो आप गेंद को स्टंप्स में जाने से रोक सकते हैं। सीधा रे, मौका मौका बहुत बड़ा मौका। ब्रेंडन किंग सीधी हाथ में गेंद थी, रोहित शर्मा यहां मिला है जीवन दान। नहीं किंग, आज हाथ में कोई चीज जम नहीं गई। ओ विराट कोहली अलग अंदाज में आए हैं, डीलिंग ओनली इन बाउंड्रीज। शॉट नहीं डालनी है, ये सबक अगर आप सीखेंगे नहीं तो ये शिक्षक सिखाता रहेगा बार बार। ये शॉट तो कड़क है, अगर ऐसे देखने को मिले तो फिर कोई बात नहीं। ये थोड़ी देर के लिए हवा में थी, शायद जान थोड़ी सी हालत में थी, लेकिन खाते में एक और चौका है। इस बार भी गेंद ऊपर गई है, नियंत्रण उतना अच्छा था नहीं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, एक हाथ से जड़ दिया छक्का। मिसफील्ड करेंगे तो एक और चौका मिलेगा। वन मोर, यहां लीडिंग एड अर्जित किया है, नीचे फील्डर आता हुआ रोहित शर्मा की पारी को इस बार ब्रैंडन किंग समाप्त जरूर करेंगे। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, एक कैच छिटक दिया था पहले, लेकिन इस बार गलती रहेगी। रॉस्टन चेस दूसरी बार इस श्रृंखला में बैक टू बैक मैचेस विकेट हिटमैन की। बहुत बड़ी सफलता वेस्ट इंडीज टीम के लिए, किंग ने कैच पकड़ा, रोहित शर्मा आउट हुए 19 पे, भारत 59 पे। दो चार पे सूर्या पिछले मुकाबले में फिनिशर थे, पांच पे आए थे। बहुत ही खूबसूरत मोहर इस पे सूर्य कुमार यादव की। कंप्लीट किया है कैच को, पांडित्य मैंने जरूर चेक करना चाहेंगे, कैच पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। आगे की तरफ गेंद गिर रही थी, सॉफ्ट सिग्नल आउट है। Yeah, satisfied. Ball is clearly carried. I'm ready with my decision for the big screen. सिर्फ अच्छे गेंदबाज नहीं, अच्छे फील्डर भी है रॉस्टन चेस। कैच के साथ सूर्य कुमार यादव को वापस भेजा है। 8 के स्कोर पे 72 पे 3 भारत। 43 मैच खेल चुके हैं, 123 का स्ट्राइक रेट। रॉस्टन चेस ने कट किया है, वहां पे फील्डर नहीं, चौके के साथ खाता खोला है ऋषभ पंत ने भी। दो फुल टॉस लॉन्ग ऑन के फील्डर के लिए, ये जो प्रैक्टिस विकेट है इसे और तेज होती है गेंद। क्या बात है, आपके पास गति है तो इनके पास नजाकत है। लॉन्ग ऑन के ऊपर से बहुत हुआ,
अब बस कहा विराट कोहली ने, इस छक्के के साथ जेसन होल्डर के ऊपर से अपना अर्धशतक पूरा किया है T20 इंटरनेशनल्स में 30वां अर्धशतक। जबरदस्त रोस्टन चेस आज की शाम इनके नाम। तीसरी विकेट प्राप्त हुई रोस्टन चेस को, दोबारा से वेस्ट इंडीज टीम को गेम में लेके आया। विराट कोहली आउट हुए 52 पे 106 पे 4। युवा करियर है इसलिए इन आंकड़ों का अभी उतना महत्व नहीं। वेंकटेश अय्यर अधूरी किनारा, शॉट फाइन के फील्डर को बीट कर लिया है। एक और पारी की शुरुआत 4 रनों के साथ। आयरन बोला, पिछले मैच में इसी प्रकार से शॉट खेलते हुए आउट हुए थे ऋषभ पंत, लेकिन इस बार थोड़ा सा एग्जीक्यूशन बेहतर तो आउटकम भी बेहतर। ये तो चौका है, आगे गेंद की ओर जोर से ड्राइव लगाया ऋषभ पंत ने, ये वाओ मोमेंट था। निकल गई तो निकल पड़ी। इस ओवर में आए हैं 3 चौके 15 समाप्त। यहां पर मगर पूरी कोशिश थी, वेंकटेश अय्यर की पूरी कोशिश थी, गति का अच्छा इस्तेमाल किया और गेंद को निकाल दिया फाइन लाइन में। नहीं, ये गेंद ऊपर गई है, ये कितनी दूर गई है देखने लायक बात। मौका जी नहीं, कहां आज कहां। रन यहां भी है, 16 ओवर समाप्त। ये गई है, ये वेंकटेश का 6 है। रन एक और चौका, जेसन होल्डर फुल टॉस और फुल थ्रोल, ऋषभ ताबड़तोड़ पंत। एक और साधारण गेंद, 4 रन का इजाफा ऋषभ पंत के खाते में। ये अच्छी गेंद थी, लेकिन ये एकदम चढ़ में गिरी गेंद और वेंकटेश अय्यर की पारी हुई समाप्त। फाइनली एक अच्छी यॉर्कर, अच्छी पारी रही वेंकटेश अय्यर की, उन्होंने बनाए 33 रन 18 गेंदों में 182 पे 5। लॉन्ग ऑन उसके बावजूद सारे फील्डर बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर, वहीं डालने का प्रयास। ऋषभ पंत 27 गेंदों में पहुंच गए हैं 51 के स्कोर पर। अच्छी शुरुआत की, भारत थोड़ा संकट में था लेकिन वहां पर आए और जबरदस्त अर्धशतक जड़ा है। एक ही रन मिले।